बाबू भैया भाई ये सब करना चाहिए थोड़ा। और भाई कैसे हो? तेरी आवाज़ नहीं जा रही। आ जाइए भाई, आ जाइए। बस बस यहाँ पे, यहाँ पे। क्या भूल हो जाएगी उधर लेके चलो। अभिषेक भाई, अभिषेक को निकाल दिए, क्या बोलना चाहोगे? भाई मैंने सुना अभिषेक के बारे में, बहुत अनफेयर रहा है हमेशा से बिग बॉस, एंड अभिषेक को नहीं निकालना चाहिए था बिकॉज मैंने वीडियो देखा था तो कहीं ना कहीं चिंटू ने पहले फोन करा था। एंड अभिषेक जिस सिचुएशन से जा रहा है बिग बॉस में वो बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेकिंग है। हम सब लोगों को यू नो मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। टॉर्चर करा जा रहा है वो बहुत ही खराब चीज़ हो रही है बिग बॉस के। सेम आपके आपके साथ जो हुआ था वही अभिषेक के साथ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अनफेयर इविक्शन लगातार होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बारी का बिग बॉस बायस तो था ही बट अनफेयर भी था। बट आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक बेस्ड शो था तो पब्लिक के हिसाब से, जनता के प्यार के हिसाब से ही लोगों को निकालना चाहिए था। मुझे नहीं लगता इस बारी का बिग बॉस अभी मेरे बाद और अभिषेक के निकलने के बाद अब कोई मतलब बनता है बिग बॉस के देखने का, बिकॉज मेकर्स जो चाह रहे हैं वही हो रहे हैं। तो उनकी मर्जी के हिसाब से ऑलरेडी जो विनर्स हैं वो फिक्स हैं, तो यही होने वाला है। ऐसी खबरें आ रही है कि आप अंदर जाने वाले हैं के बाहर के साथ, कुछ सलमान खान के साथ बातचीत होने वाली है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई भी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा बट जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को डेफिनेटली मैं बता दूँगा। भाई आपके हिसाब से विनर कौन रहेगा? मेरे हिसाब से डिजर्विंग विनर अभिषेक ही था मेरे पास। सो अभी उसका अगर इविक्शन की न्यूज़ कन्फर्म है तो मुझे नहीं लगता कोई भी डिजर्विंग विनर है, बट फिक्स विनर है डेफिनेटली, जिन्हें पता है उन्हें पता है शो मेकर्स किसे बनाने वाले। आपको क्या लगता है फिक्स विनर कौन होगा? कोई फिक्स विनर थे बिग बॉस के, एक अंकिता लोखंडे और एक मुनावर, सो यही दोनों फेवरेट भी रहे और कहीं ना कहीं यही फिक्स विनर है क्योंकि अब कॉम्पिटिशन रहा नहीं घर के अंदर बिल्कुल। आ जाइए भाई, चलो आ जाओ। ब्रो सेना कैसी है? ब्रो सेना उत्तम, फुल पावर, अच्छा लगा ब्रो सेना से मिल करके। थैंक यू टू ऑल फ्रेटर्निटी, टू जिन लोगों ने बातें रखी, मैं आप लोगों की रील फॉलो करता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अरे इधर हाँ, यहाँ पे अनुराग, अनुराग हाँ यहाँ पे। जी भाई, चुनाव के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत ही नकली इंसान है और जितने भी भारतवासी हैं उन्हें ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो नेशनल टेलीविजन पे लड़कियों का, लड़कियों के इमोशंस का यूज़ करके केवल आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई रियली कंडेम इट एंड लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अंजलि का भी एक स्टेटमेंट आया है, आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में अंजलि कह रही है कि मुनावर इसी तरह से हर लड़कियों के साथ यही फीलिंग करता है, क्या कहना चाहोगे? उसे वर्ड्स के साथ खेलना काफ़ी अच्छे से आता है। वर्ड्स के साथ उसे लड़कियों के साथ भी खेलना बहुत अच्छे से आता है। आई गेस लड़कियों को थोड़ा सा और यू नो काइंड ऑफ सेंसिबल होना चाहिए, ऐसे लोगों की पहचान पहले से पता होनी चाहिए। एंड अब ऑल ओवर इंडिया में उस इंसान के बारे में सब लोग जानते हैं तो एवरी गर्ल शुड बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ मैन। अंकिता के लिए बिग बॉस कह रहे हैं ऑलरेडी शो के अंदर, हमारा कोई ओपिनियन मैटर नहीं। मनारा बेचारी अकेली पड़ गई है शो के अंदर। आ जाइए भाई, आ जाइए। भाई बूम है, आराम से आराम से आराम से। अनुराग भाई कैसा रहा जर्नी? एकदम फुल पावर यार, अच्छा लगा। मुझे जर्नी से ज्यादा आप लोगों से मिलने में मजा आता है बाहर। अरे भाई बूम हटा दो यार, आराम से आराम से पीछे, आराम से आराम से आराम से देख करके गलना मत पीछे। आप मुनावर को मुनावर के लिए, वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, मतलब इन अ सेंस वो कुछ भी करे, लेकिन अगर आपकी दोस्ती हो सकती है फ्यूचर में? ये दोस्त मेरा सांप जैसा काट रहे ले, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जिंदगी में जो सांप बन के काटे, सो कभी नहीं होने वाली उसकी और मेरी दोस्ती। तो लेकिन इट माइट बी सांप आप बोल रहे हैं, लेकिन हम भी जानते हैं उनको, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक पर्सनल लाइफ छोड़कर अगर हम बात करें, फ्यूचर में अगर आपकी बातचीत होती है तो क्या बातचीत करना या दोस्ती करना पसंद करेंगे?
एक अच्छे आर्टिस्ट और एक अच्छे इंसान में बहुत फर्क होता है. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. अच्छा फाइनल टॉप थ्री किसे देखना चाहेंगे? नॉट राइट नाउ गाइस. टॉप थ्री guys not not right itta to bolne sir maker is already decided kar chuke hain yaar baki thank you so much acha laga guys thank you guys thank you aur finally bro sena ne kafi support kiya aapko unke liye kya kehna chahenge unke liye to aap bolne bahut sara pyar bro sena ke liye and shukriya itna pyar ke liye bahut sara pyar un logo unfair bol rahe continue that's it please please jaan do jaan do theek hai.